पटेश्वर दिगंबर जैन मंदिर के पीछे यमुना किनारे बन रहे घाट को जैन घाट के नामकरण की जैन समाज की मांग को स्वीकारा है उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान एवं श्री शौरीपुर बटेश्वर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कमेटी बटेश्वर की तत्वावधान में 28 मई को आगरा के बटेश्वर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में विश्व शांति में अहिंसा और अनेकांत की उपादेयता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर समाज की प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में उपस्थित रहे। समारोह में माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। मंत्री महोदय ने बटेश्वर दिगंबर जैन मंदिर से संबंधित विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर योजनाओं पर सक्रिय होने का वादा किया। रपड़ी के जंगल से लेकर के यहाँ तक का जो जंगल है उसके विकास के लिए, अटल जी के जन्म स्थान के लिए, हमारे 101 जो शंकर जी के हिंदू समाज के मंदिर हैं उनके संपूर्ण विकास के लिए, इनकी फसाद लाइटिंग के लिए, घाटों के निर्माण के लिए, घाटों का चल भी रहा होगा, घाटों के निर्माण के लिए अन्य अन्य काम वो कुछ चालू हो गए हैं और कुछ काम बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं। जो स्वीकृत बजट 31 मार्च को हुआ है उसमें टेंडर की प्रक्रिया में मैं समझता हूँ महीने भर के अंदर वो भी काम चालू हो जाएंगे। ये सब काम जो पढ़े हमारे प्रोफेसर साहब ने, लगभग 7500 लाख रुपये की परियोजनाएँ आपकी इन तीनों क्षेत्रों के लिए हैं। उसमें इको टूरिज्म शामिल नहीं है, इको टूरिज्म अलग है, चंद्रवार अलग है। वो इसलिए नहीं पढ़ा गया कि चूंकि जनपद आगरा के अंतर्गत जो योजनाएं थी वो यहाँ पढ़ने का काम हुआ है। गौरतलब है कि संगोष्ठी में आयोजक समिति के माननीय सदस्यों के साथ अन्य प्रबुद्ध जन भी उपस्थित रहे, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने अपने मत प्रदान किए। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।